एक तो हमारे दोस्ता है, उसका भाई था। अवतार का नियम है ना, ऐसा थोड़ी हो जाता है कि अवतार के नियम होते हैं। हाँ, तो हम अपना चुपचाप बैठे थे बाजार में ही थे, भैया नमस्कार, नमस्कार, फ्रेंड फ्रेंड बॉल टाइप का है, याद है। तो कह रहा था कि कोनो दिक्कत या कोनो मला हो तो कि दिक्कत ना करना। हम ना आई हमके कोनो दिक्कत ना, हमके क्या दिक्कत है बताइए। पैसा रुपया भाई लेन देन तू करवा, तो हम कहे भैया हमारे खातिर जेल जीवा मारा, हम कोनो बात होगी तो कह तुम ना जेकर जेकर पुरखा पुरनिया जेल में पैदा होकर भल होकर वो जेल से कर देगा यार। सर तुम कहाँ को दिया उसका मुझे, हमारे पूर्वज जेल में पैदा भल जेल तोड़ के निकल गया। अब हमारे कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए, उन्हीं के हम वंशज है, जेल से हमको क्या डरना है। अच्छा, हाँ जेल से क्या डरना है, हम कहीं कच्चे अलपटे गजब मतलब ये चीज खोज के लिए ले, मतलब हमके भी पता ना लगे कि हमारे पूर्वज जेल में पैदा हुआ। ऐसा डायलॉग मतलब जमला हमको लग रहा है चकबका के ताकत, हम कहीं सही कर था उससे लग जा गलत ना कर लो सर, क्योंकि जेल जाए उनको डर ना अपना ये आई का तू निकल गया। क्या कृष्ण भगवान से कह ले रहा ना क्या रहा कृष्ण भगवान का नाम तो बहुत साधु लोग तो बहुत ठग रहे हैं। हाँ बहुत वैसे कृष्ण भगवान की विदेश में ज़्यादा वो है नहीं विदेश आते हाँ है सब जगह विदेशों में बहुत ज़्यादा उनकी मान्या है। कृष्ण भगवान का तो भगवान ही थे तो बात अलग है। गीता का ज्ञान जो है वन महत्वपूर्ण है, गीता के ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं। हाँ कृष्ण भगवान ने इतने गोपियों को रखा था तो उसमें तो वो बहुत छोटे थे टीआई में रखे थे तब उनको सब लोग मानते थे। हाँ सब लोग मानते थे, उस समय भी परिवार का बहुत प्रतिबंध था परिवार, लेकिन कृष्ण भगवान के नाम पर 6-9 वर्ष की आयु तक है तो उतने में थे। मतलब हम लोग ये सुनते हैं गुरु जी कि किस मतलब आज जैसे अपने परिवार को आज भी कोई लोग नहीं निकलने देते हैं घर से, तो उसी तरह से उस समय भी अपने परिवार को कोई निकलने नहीं देता था घर से, लेकिन कृष्ण भगवान के नाम पर गोपियाँ निकल के जाती थी और उनसे भेंट करती थी, उनसे मतलब हंसी करती थी, मजाक करती थी, छिठोली करती थी और गांव भर की कोई लड़का नहीं प्यारा होता जो हाँ, नटखट होता है थोड़ा प्यारा सब लोग मानते हैं। हाँ तो वो उस टाइप के थे मान लीजिए। हाँ उस टाइप के। हाँ तो मजाकिया टाइप के थे, सुंदर भी थे और काफ़ी छोटी उम्र के ना बात है जी, तो किसी उनसे तो कोई भी प्रेम कर सकता है। हाँ, कोई भी मान सकता है। हाँ, तो उसको अब के लोग चमत्कारी भी थे। हाँ चमत्कारी भी, बड़े बड़े जो काम लोग नहीं कर पाते थे उस काम को उन्होंने करके दिखाया छोटी उम्र में। तो वैसे लोग तो पॉपुलर हो ही जाते हैं। भगवान सब माने किस तरह से, ऐसे कोई मान रहा है ऐसे मानेगा यहाँ सब लोग तो हैं। पोखरा में बांध जा 5 साल का लड़का तनि ओके तू दू पेड़ गिरा के देखा, वो पेड़े गिरा दिए पोखरे को खींच के ले गए, उसमें अटका के अपना खींच दिए ऊपर गया पेड़ उद्यार हो गया उन सब उनका। शुरू से ही अद्भुत शक्ति से उन्होंने परिचय दिया, इसी तरह से कोई हजारों हजारों वर्षों तक थोड़ी चल जाता है किसी का। तो उनमें अद्भुत शक्तियाँ थी ना, अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत ज्ञान था, अद्भुत कलाएँ थी, सब कलाएँ थी, सब तब तब ना भगवान लाया, तब ना जनता मानी एक नहीं यही भगवान है, यही इस तरह कोई थोड़े ना मान लेगा। इसी तरह भगवान राम में भी अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत कला थी,
उसके अंदर भी थे। हमारी रीति सब ज़्यादा क्योंकि औरतों को अपनी छत्र छाया में रखे जो लोग थोड़ा व्यभिचारी किस्म के होते हैं वे लोग उनकी आड़ में व्यभिचार करना चाहते हैं। हाँ, नाम भगवान के भी नाम। हाँ भगवान कृष्ण ने व्यभिचार थोड़ी कभी किया ना है। व्यभिचार करते तो भगवान करते हमारे कभी व्यभिचार नहीं किया। ये लोग उनकी आड़ में उनके नाम पर करना चाहते हैं धरा भी जाते हैं उनके सदगुणों को। अरे तो करेंगे तो धराएंगे ही। देखो राधे माँ है, राधे माँ को तो आप जानते ही होंगे। उनके विषय में हम कम आप ज़्यादा जानते हैं। उनके हमको आशा है उन सब के विषय में जानने को है ही क्या। राधे माँ सोचा जाए हाँ तो जानने के लिए है क्या, उनके पास क्या है जो वो समाज को दे सकते हैं। राधे माँ का हम जब देखे उनकी लीला तभी हम कहे कि ये सब वो थिएट्रिकल है। हाँ, थिएटर में कोई करता नहीं ड्रामा वगैरह जी उस तरह के सब है। पूरा सिंगार उंगार करके लिपस्टिक वगैरह लगा के एकदम हार वगैरह पहन के राधे माँ बन गई हैं। माता राधा की भी बेइज्जत करते हैं उनके नाम पर भी। वो धरे भी तो मतलब बुरी बुरी हाल है, छूट गई नहीं कि हाई हमें पता नहीं। ये सब ये छूटे या नहीं छूटे ये सब जो पापी हैं पापी रहेंगे चाहे जेल में रहे जेल के बाहर रहे। बाबा राम उनके पास परोसने के लिए समाज को देने के लिए कुछ नहीं कुछ है, कुछ श्रेष्ठ चीज़ नहीं है। दूषित ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सब भोग विलासी लोग हैं। हाँ भोग विलासी उसी में अपना पूरा बस वो धर्म की आड़ ले करके और कुछ भोगना चाह रहे हैं अतृप्त वासनाएं हैं। बाबा राम रहीम का जमानत हो गया था फिर गए जेल के नहीं गए। नहीं जमानत थोड़ी हुई थी बेल पे थे क्या वो बेल नहीं वो पैरोल मिलता है ना। हाँ 10-15 दिन का पैरोल मिलता है तो पैरोल पर वो उसकी कौन थी कौन कुलमित रामप्रीत। हाँ रामप्रीत हरप्रीत हरप्रीत हाँ हरप्रीत हाँ सही कहा हरप्रीत रहता था कि हमारी बेटी है उसको रखा था सर। कितने का मर्डर कर दिया था वो बहुत लोगों का उस पर बना है एक वो उसी के स्टोरी पर आश्रम वो बनी है। जब मैं वहाँ था बागपत में तो कुछ लोग मेरे पास आए थे उस वक्त मैं उसका वो नहीं सुना था नाम वहाँ बागपत वाले बहुत उत्तम ये लोग उधर तो उसमें मेरे पास आए थे सब कहे कि ऐसे 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 एक हैं बहुत बड़े संत हैं ये हैं वो खूब हवा पानी बांध रहे थे। तो जब नाम बताया उसने मेरा क्या नाम है उनका हाँ जब नाम बताया राम रहीम तो मैंने कहा कि नाम से तो मुझे प्रतीत होता है कि ये सही नहीं आदमी हो राम भी है रहीम भी है। मैंने कहा ये राम रहीम दोनों है इसका मतलब है कि ये कुछ नहीं है ये गड़बड़ ये भोगी है और कुछ नहीं होगा। हाँ ये तो कांग्रेसी ब्रांड है तो कांग्रेसी ब्रांड है तो नाम से कदम पता चल गया है। मैंने कहा अब उसके बारे में कुछ भी मत बता मैं इसके नाम से सिर्फ जान गया कि ये क्या है क्या है। हाँ मैंने कहा ये ऐसा आदमी होगा ठग होगा एक नंबर का ये अब वे लोग से समर्थक थे बड़ा ख़राब लगने लगा। मैंने कहा कि अब उसके आश्रम का भी नाम वो बता दो कहाँ आश्रम है क्या तो नाम बताया कि उसका आश्रम में डेरा सच्चा सौदा। मैंने कहा कि इसका मतलब कि देख लो इसके नाम में भी एक करप्शन है आश्रम के नाम में भी करप्शन है और इसके नाम में भी करप्शन है डेरा सच्चा सौदा।
हाँ, इसको ये सौदा समझ लिया है, हाँ व्यापार समझ लिया, इसका मतलब वहाँ व्यापार और धंधा हो रहा होगा। मैंने कहा कि गारंटी मान लो व्यापार का धंधा होता होगा, क्योंकि सौदा की बात ही है यहाँ। हाँ, ये सौदा वाला है, हाँ, और इसने सारा जो नाम रखा है डेरा, हाँ डेरा रखा है, ये सब सब ये टोटल नाम जो है ना, इसका ये नाम ही जो बतलाता है कि बहुत छिछले स्तर का है। उसकी अपनी मिलिट्री थी अपनी, मैंने कहा कि नाम छिछले स्तर का है इसका, डेरा सच्चा सौदा नाम है। इसका मतलब इसको संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है इस आदमी को, इसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, इसको संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इसको तो एक मंत्र एक श्लोक नहीं आता होगा ठीक से, मैं यहीं से सब बता दे रहा हूँ, उसके नाम और उसके आश्रम के नाम से मुझे सब पता चल रहा है। क्या तुम लोग बात कर रहे हो? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुन, कोई इसने किताब लिखी है? लेकिन नहीं, किताब तो नहीं है, दूसरे दूसरे लोग लिखे हैं। मैंने कहा दूसरे दूसरे लोग से लिखवाता हुआ, खुद ही अनपढ़ गंवार होगा ये, अल्लाह हस्ता हुआ। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ गंवार जो हैं, जितने ड्रामे बाज हैं, थिएट्रिकल हैं, वो लोग उसके पास तो था ही ना, पूरा टीवी में दिखाई उसके पास जा रहे हैं लोग, मतलब फिल्म में भी वो काम करता था। लोगों को चाहिए कि जिसमें सादगी हो, उसके पास संस्कृत का ज्ञान हो, उस श्लोक मंत्र सब जब जानता हो, वेद उपनिषद गीता का कुछ ज्ञान रखता हो, उसका महत्व तो उसको ना महत्व दोगे तो उसको महत्व नहीं दे रहे, या तो पागल को महत्व दे रहे हैं, या तो ड्रामे वाले को महत्व दे रहे हैं। ये देश ही अजीबो गरीब हो गया, मजारा में जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, फालतू फालतू जगह जा रहे हो। हिंदू धर्म का इसी से नाश हुआ। सही संतों को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, और जो ये सबसे फर्जी संत थे उनको संत बना दिया। फर्जी लोग खाली जिन्होंने भेष धारण कर रखा था, ज्ञान नहीं ना जी। हाँ, हाँ, लोगों को ये ज्ञान नहीं, समझने की क्षमता नहीं, लोगों को समझ नहीं। चपड़ा ज्ञान नहीं, ये सब वो देखते हैं कि किसके पास ज़्यादा गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, ये अपने ही हिसाब से तौल के चलते हैं। जैसे मुझे जो चाहिए, एक गृहस्थ को जो चाहिए, वही जिसके पास ज़्यादा सोचते हैं कि उसके पास ज़्यादा शक्ति है, तो ये सोच ये नहीं जानते कि वो तुम ज़्यादा लोभी है, लोभी है, तुम जितना काम है उससे ज़्यादा काम ही है वो। हाँ, ये नहीं सोच पाते हैं, तुम जितना बड़ा चोर हो उससे ज़्यादा कई गुना चोर है। अभी वो कहते हैं कि तुमने 10 को ठगा, उसने वो लाखों को ठग रहा है जिस, और ये सोच रहा है कि उससे बड़े शक्ति है, शक्ति जरूर है, उसे ठगने की शक्ति है, चोरी करने की शक्ति है, लूटने की शक्ति है, यही सब शक्तियाँ हैं। जितने मतलब जो दूर शक्तियाँ हैं, जो समाज विरोधी शक्तियाँ, अध्यात्म विरोधी शक्तियाँ, वे शक्तियाँ उसके पास है। सब राक्षस असुर हैं सब। बाबा राम कौन है? वो यशपाल हूँ, वही बहुत बड़ा दुर्ग था। रामपाल, रामपाल अभी गोप गोली वोली चलवा रहा था। अरे वो तो अपने को अवतार कहता है, कल्कि का अवतार है। हाँ, ऐसे ऐसे तो अवतार हम लोग के हो रहे हैं। हाँ, देश के कानून को धत्ता बता करके हजारों हजारों लोग रखे हुए हैं, पूरा मिलिट्री रखे हैं, फोर्स रखा है सब, और उससे लड़ाई कर रहा था। और सरकार देखिए कि उसको कभी वो नहीं की, आज जनता बहक रही है, उनकी बहकावे में जा रही है, और पूरा मान रही, देवता उन्हीं को मान रही है। सरकार कभी उसको छाने भी नहीं की नहीं। सरकार को तो वोट चाहिए और नोट चाहिए, वो नोट भी देता है, वोट भी देता है। सब लोग अपना ब्लैक मनी जो है आश्रम में रख रहे हैं, आश्रम में रख रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है, चुनाव का समय आता है, चलिए अमरूद लीजिए, अपना बैंक वही है उनका। हाँ, छापा कहाँ पड़ेगा? राम रहीम के तो कांग्रेस वाला ले रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, हिसाब किताब बनो सो हिसाब बनो। अरे वो तो कोर्ट थोड़ा बहुत है। हाँ, कि कुछ भीतर रहने तो सब भीतर नहीं रहते। भाजपा वाला निकाल देता हूँ कोर्ट अगर नहीं हो। हाँ, तो खरीद सरकार के खरीद देता हूँ। ढेर ही मेरे चक्कर में गुरु जी भाजपा वाला रहा ना, कांग्रेस वाला कम रहा। नहीं, कांग्रेस वाले तो ज़्यादा चक्कर में रहते हैं। हाँ, वो तो
भाजपा वाले तो खाली उनका इन्हीं में चल रहा है, हिंदू साधुओं में, ईसाई साधुओं का नाम जान रहे हो, भारतीयों का जान रहे हो, तुर्जा नहीं है कुत्ता में, मुसलमानों का जान रहे हो, उनका भी भाजपा का सरकार है, क्या नहीं जनावर की चाहिए ना, सोचो हाँ, नहीं जान रहे कितना बड़ा बड़ा है और जामा मस्जिद का जो मौलाना है उसको जान रहे हो कितना पावर है, इतने तो मुकदमे हैं आज तक कभी पुलिस थाने में कोई नई सरकार ला पाई तो हम कह रहे बीजेपी की सरकार है गुरुजी, इसको तो उस सब बहुत ऐसे मदरसे हैं और मस्जिदों हैं कि वहाँ पे एकदम लीगली आम जनता में मालूम है कि नहीं यहाँ पे गलत काम हो रहा है, गैर कानूनी काम होता है वहाँ, वो खुलेआम करते हैं तो सरकार तो को तो चाहिए कि उस पर छानबीन करे, जांच करे और उनको धरे पकड़े। सरकार हम किसी की भी हो, किसी की अब सुनो, सुनो सरकार किसी की भी हो वह देखती है कि हमारी शक्ति और इसकी शक्ति में तुलना करके देखती है। शक्ति दो तरह की होती है, न्यूसेंस वैल्यू भी पैदा करने की शक्ति होती है, खाली वो एक मौलाना नहीं है, उसको पकड़ लोगे तो सब पूरे देश के मुसलमान के साथ है, वो मुसलमान ये नहीं देखेंगे कि सरकार ने सही काम किया क्योंकि ये गलत काम कर रहा था, नहीं नहीं वो मुसलमान है उसमें मौलाना है तो उसको तुम छू कैसे दोगे, वो कुछ भी गलत कर रहा है सब सही है, देश के विरुद्ध भी अगर है वहाँ पर बम भी रखा है, मार भी रहा है, कत्ल भी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है सही है, मुस्लिम सब इस माइंड सेट के हैं। हाँ मान लो इक्का दुक्का अपवाद मान लो, एक दो मुस्लिम इस तरह के नहीं होंगे लेकिन सब एक कैटेगरी में हाँ, इसी में आते हैं लगभग ज़्यादातर उसी तरह के उसी हैं हाँ। और वे पूरा उठ जाएंगे बवाल कर देंगे पूरे देश में, उस डर से सब कोई हाथ नहीं डालता और इस चीज़ को वे लोग भी जानते हैं कि हमको छू नहीं सकता, छुएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों के यूपी हम तो इस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये जरिए हैं कौन सोहरा बहुत बड़ा मजा है वहाँ पे, पूरे अगल बगल के लोग सभी लोग कहते हैं कि यहाँ गैर काम होता है, गैर काम हाँ होता ही होगा और उसको कोई रोक भी नहीं पाए, कोई रोक भी नहीं पाए, आज तक कोई सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाई, कोई पुलिस थाना नहीं करता है। अब कंप्लेन तो हजारों हजार पड़े होंगे हाँ, ये भी जान लीजिए कंप्लेन डालने वाले कितने लोग डाले होंगे, जितने भी मजार हैं हाँ। इनकी वैल्यू हिंदुओं ने बढ़ाई हाँ। तुम वहाँ जाते क्यों, तुमको जाना नहीं चाहिए वहाँ, ऐसी जगह क्यों जाते हो, अरे जो हमको वहाँ से आराम है सुविधा है तो आराम आराम क्या आराम सुविधा है, आराम क्या हो जाएगा वहाँ मजार में, क्या है कि आराम हो जाएगा तुमको, तुम्हारा अंधविश्वास है और कोई आराम नहीं है, आराम क्या हो जाएगा वहाँ, तो सब कुछ नहीं हो रहा है उनको, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कौन से वो और वहाँ वहाँ जैसे जाते हैं लिंक मिल जाता है जानते हो, मुसलमान को लिंक मिल जाता है हिंदू के घर में घुसपैठ करने का, और वहाँ से भी जो है बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं हिंदू, घर में घुस जाएंगे और तोड़ लेंगे, लड़की होगी तो भगा ले जाएंगे, लड़का होगा तो फंसा लेंगे, कितने लोग ऐसे शिकार हो गए हैं हाँ, वो एक 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 सोचने वाली बात है, एक मुर्दा आदमी जो जिंदा भी नहीं है हाँ, वो क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, जो है भी नहीं, जो विलीन हो गया, मर चुका, सड़ चुका, खत्म हो गया, वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो जो आते ऐसा करने वाला होता इस तरह से भला होता तो पाकिस्तान में तो इतने इतने सब, पाकिस्तान तो अभी तक दुनिया का सबसे अमीर देश होता, जो आप यहाँ नहीं आते थे वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे उनका मर गया, वो तो जाता होगा वहाँ, वो जाता था बीमार था ना तो हाँ तो जाता था तो वहीं मरा ना हाँ, गया उन्हीं लोग के चक्कर में मरा भी हाँ, और आप जुड़ा था और हम कहे बताइए, हम तो उसको कितनी बार कहे, हम देखे उसको, हमसे छुपाता था वो हाँ, लेकिन हम उसके गले में एक बार ताबीज़ देख लिए हाँ, काला काला, हम कहे ओ ये मुसलमान के चक्कर में है, ये गले में ताबीज़ मैंने देखा काला काला, मैं समझ गया कि तो कहीं नहीं जरूर मजार में जा रहा है, मैंने उसको टोका, मैंने कहा मजार में जाते हो, तो उसको मैंने कहा ये मुर्दों की बस्ती है वहाँ, यहाँ मुर्दे हैं वहाँ, वहाँ क्या तुम पाओगे जी, वहाँ क्या है पाने के लिए, अरे कह रहे थे ना कि हमको बहुत आराम है, आराम तो काहे मर गए, ठीक हो गए होते, बता रहे थे जानते हमको ऐसे कि लाल बाबू के प्रचार में हम लोग गए जा रहे थे
आराम है, कुछ आराम नहीं होता, ऐसा सब मूर्ख लोग होते हैं। जब विधायकी लड़े थे राम, अंधविश्वासी लोग होते हैं, जितने अंधविश्वासी लोग हैं सब वहाँ भटकते हैं। आपसे जुड़ के और आदमी वहाँ पे जा रहा है, लालू बाबू गए ना गोड़ पर गिरना, गोड़ पर तब हम आना को जाके गोड़ पर गिर भैया, मतलब नेता भल बड़ा है विधायक बनने का नमो नशा रहा है लगे कि अब नेता लोग जो होते हैं ना इनका तो कोई सिद्धांत नहीं होता है। लाल सिंह गहना लेगी ना नेता है तो कोई सिद्धांत नहीं है, वो तो वोट के लिए कहीं भी गिर जाएगा। भेंट भाई से तो हम कहनी कि अरे यार ये तो मर जाएगा यहाँ पे, तो कहते हम कि हमके आराम हो भैया बहुत आराम है, जन नेता पहले बहुत अब पूरा नहीं अब तो तू पहलवान हो चुके हो। हाँ महाराज के साथ में रहने वाला आदमी ऐसी बात करता है तो हमारे साथ रहने से थोड़ी होगा, हमारे विचार के साथ जिसका विचार टैली करेगा वही हमारे साथ है। यहाँ आने का तो बहुत लोग आते हैं, हमारे साथ यहाँ आ करके थोड़ी देर बैठ जाएगा कोई, उससे थोड़ी हो जाएगा। मेरे विचार के वेवलेंथ में आएगा तभी वो जो है वो हमारे शिष्य में से है, नहीं तो सब फर्जी लोग हैं, हम लोग को ऐसा नहीं मानते हैं। अभी प्रक्रिया में है, चलो दो बात हमको हमारी बात मान दिया, कहीं अंधविश्वास में कहीं लोभ में आदमी जब पड़ जाता है तो ऐसा बहुत तरह के उपद्रव ठान लेता है। अब कितने हैं इधर, एक है एक इधर है, उसके लड़का फंस के एक ही लड़का है फंसा लिए भाई मजार में जा जा करके, मुस्लिम लड़की फंसा लिए शादी कर लिए तो परेशान होकर के हमारे पास आ रहा है। हाँ कहाँ इधर का है, आदर्श का बाजार का, आदर्श बाजार का है। हाँ तो वो तो आदर्श में है, तुम्हारे तो नियम ही आ रहा था मायावती का सवाल, मायावती की आवाज़। हाँ तो उसका मायावती की आवाज़ है ना, उसका लड़का रह रहा है अपना घर छोड़ करके वहाँ रह रहा है। अब वहाँ तो महाराज करप्शन है, अरे पूरा वैश्यालय है वो। हाँ वैश्यालय है, बहुत करप्शन है वहाँ। हाँ वो वैश्यालय है उसके लड़का, वो किसी तरह से वो अपना लड़के को भेजा मेरे पास। हाँ वो क्या भेजा, मतलब उसके कहने पर थोड़ी है, मतलब कि संगत में आया होगा तो भेजा होगा वो, संजीव ने उसको भेजा। हाँ आया तो उसको, उसका तो मैंने पूरा इस्लाम की मैंने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी, उसका भ्रम तो मैंने दूर कर दिया इस्लाम से, तो उसका दिमाग हट गया लड़का। हाँ अब वो वहाँ से कब हटेगा, शादी से वो बात दूसरी है, लड़की भी है, लड़की भी दूसरे से एक बच्ची के साथ आई हुई, दूसरे की बच्ची है वो, उसको भी रखा हुआ है, मतलब इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आदमी की वैसे होता है। फिर उसका पांच लड़कों के साथ उसका संबंध है, उसको औरत का जिससे शादी किया हुआ है वो जानता है। हाँ सब जानता है, और उसके घर, उसके घर में भी होता है, उसको डरा कर रख दे, इसमें इसका बाप का भी दोस्त था। हाँ इसको ले जा करके वहाँ मजार में रखवा दिया था अपने लड़के को। हाँ और उसको जंजीर में बांध कर रखे थे सब, डरा दिए हैं उसको, दिमाग डर गया। लड़की ना देखने में सुंदर है ना कुछ है ऐसे, ना भाषा सुंदर है ना कोई गुणवत्ती है ना कुछ है, बांध दिए हैं सब उसको। हाँ लड़की के साथ बांध दिए हैं सर, तो उसको अब मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए पहले से मुसलमान बन गया था वो। हाँ तो लड़की बोले कि मुसलमान इसको हम क्या बनाएंगे, तो पहले से मुसलमान था। लड़के से भी मेरी बात हुई, बात हुई है लड़की के सामने, मैंने इस्लाम की बोल करी चिल्लाने लगी वो, मैंने कहा कि इसके ऊपर भूत चढ़ाऊंगा ना, ताकि मैं ऐसा भूत चढ़ाऊंगा ना कि तुम्हारे झाड़ने वाले उतार नहीं पाएंगे। लगी लड़की चिल्लाने, लगी चिल्लाने, और मैंने कहा चिल्ला मत, चुप चले बैठो, फालतू मत बोलो यार।
कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, अगर झूठ सिर्फ मुसलमान लोग बोलते हैं तब तुम्हारे प्रमाण है तुम्हारे ग्रंथों में। चिल्ला रही खूब, अरे हम नहीं मानते सर। मैंने कहा तुम वो तो तुम लोग को सिखाया गया है नहीं मानने के। हाँ, तुम्हारे हक की बात नहीं हो तो मत मानो। हाँ, तुम लोग का तो सिखाया गया, तुम लोग तो गुलाम हो, गुलाम को मानने ना मानने का क्या अधिकार है, तुम तो उसी में रहोगे उसे करोगे। उसको डांट रही थी कि तुम क्यों आए यहाँ। अच्छा। हाँ, बिना मेरे पूछे। अच्छे, तो मैंने हस्तक्षेप कर दिया उसमें। मैंने कहा तुम्हारा गुलाम है क्या ये, तुमने इसकी इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि ये कहीं जा सकता आ सकता है। तब उसको भेंट होता है उससे कि नहीं? कहाँ, उसी लड़के। वो तो मोबाइल वाइल सब पटक के खोल देते वहाँ। सुनो सुनो, कंटेक्ट नहीं होगा। हाँ, उसको हम कहे उस लड़के को बाद में। मैंने कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा ग्रह है, इसे दूर रहोगे तो चैन से रहोगे, नहीं तो जीवन तो खराब तुम्हारा हो जाएगा। तो उसे मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय बताए? उपाय उसको बता दिया गया है, उससे वो पैसा भी ले रखा है ना। ये लोग मुसलमान सब का टीम है ना, ये लोग पैसा भी दे देते हैं फंसाने के लिए। अच्छा, तो टीम है, पैसा भी दे दिया था, 80,000 रुपये दे दिया था। तो वो कह रही थी कि हमारा 80,000 रुपये दे दे, हम छोड़ देंगे उसको। तो ऐसे दे दे, कमा के कमाती दे दे। हाँ, ये सोचता है कि हम दूसरे लोग दे दें। दूसरे के दे? हाँ, के दे तुम हो। हाँ, दूसरा दूसरा। हाँ, दूसरा ना दे कमो। हाँ, 80,000 नहीं तो उनसे आदमी के जिसे चेन संजीव उंजीव है कहें कि 25-50,000 हम देते, 25-50,000 तुम 25-30,000 कहीं से उपाय कर। अच्छा, मेरे के यहाँ काम कर, काम कर तो कि हाफ देवा, हाफ तनख्वाह तो काटर किस्त में 50,000 का 60,000 रुपये किस्त बांध दे, 60,000 से साल में 1.5 साल में बढ़वाब है। कह चल हमारा काम कर, आधा पैसा तो के देवा ना दे, आइले पैसा दे दे उसे मुक्ति दे, लेकिन खट खट के भर एक तरह छोड़ ना। उस लड़के से ज़्यादा जिम्मेदार मैं उसके बाप को मानता हूँ। हाँ, उसका बाप ही उसको मजार में फंसाया, क्योंकि बाप खुद जाता था मजार में पहले। अरे हमको आप ही जो मजार में जाएगा वो फंसेगा, उसका परिवार फंसना है, दुर्गति होनी गारंटी लिख लो आज। आपसे हमसे रोजे बात होती थी पहले, अब तो कम हो रही है। पहले जब जाते तो आपने वहाँ पे गया हमारे यहाँ स्कूल पे जाते, तो हमसे आप पूछे एक बार कि सर हम ये सेहत कब से बनाया था। हमको महाराज जी हम लोग बच्चा थे तभी से हम, तो हम यही कहे आपसे कि महाराज जी बड़ा ये ठीक हैं, बड़ा वो करते हैं, मतलब तो अच्छा हम लोग करते हैं। तो आपने कहा ये कुछ नहीं करता है वही भी आपने कहा, और आपकी बात हमको लगी। कहा कि तुम्हारा अगर हिंदू देवती देवी देवता अगर संरक्षण नहीं कर सकता है ये क्या करेगा। हाँ, वो मरा हुआ आदमी। हाँ हाँ, बेकार का आदमी जब जिंदा था वो कुछ नहीं कर पाया। हाँ, जिंदे में वो कुछ नहीं कर पाया। हाँ, और मरा हुआ में वो तुम्हारा क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। तो ये बात हम बस हुआ ही तुम्हारे मानता है ये ना आपसे फिर बात की, मतलब आप इतना ही हमसे कहे, तभी से हमको डाउट होने लगा, तभी से हमने मजारों से एकदम हम दूरी बनाने लगे। यही बात हमारे दिमाग में घर कर गई, कभी हम मजारों पर हिंदुओं के पतन का कारण मजार है। हाँ, हम जान लेना, हम बोल नहीं पाते हैं कभी कभी। अजमेर में सोफिया गर्ल्स कॉलेज जो था, सोफिया गर्ल्स कॉलेज के लड़की गई मजार में, एक लड़की गई मजार में, जान लेना। अब देखो एक से क्या कितना का जिंदगी खराब हो गया। एक लड़की गई मजार में और वहाँ पकड़ कर उसको रेप कर दिया सब। हाँ, रेप कर दिया, वीडियो फोटो सब बना लिए उसका। और उसके बाद वो कहे कि तुम जो है कल अपनी सहेली को लाओगे, नहीं तो तुम्हारा ये फोटो पूरे शहर में चिपका देंगे। अब अगले दिन वो सहेली भी आ गई, वो फंसा के वो ले आई। अब उसकी ड्यूटी हो गई फंसाना उसको। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसको फंसाए। क्या सिस्टम लगा लिए, देखो। अब देखो क्या एक मजार में जाने से क्या होता है, देखो। अब दूसरी लड़की को भी, दूसरी लड़की हिंदू लड़की आएगी, उसके साथ भी वही हुआ, उसका भी वीडियो फोटो सब बना दिए सब। फिर उसको कहेगा अब तुम लोग तीसरे को लाओ। इस तरह से 250 लड़कियों का बलात्कार हुआ।
250 लड़कियों का, पूरे कॉलेज की हर लड़की के साथ बलात्कार हुआ। लड़कियां डर से कांपने लगी एकदम, क्योंकि जहाँ फोटो वोटो बनाते थे वे लोग भी कर लेगा, उन लोगों को तो ये समझ में नहीं आने लगा कि हम लोग क्या करें।